मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हियर विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मॉरलिस्टिक पॉइम दैट इज विंड फ्रॉम सीबीएसई क्लास 9, एंड आई विल हियर ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी वे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज. दिस पॉइम इज रिटन बाय अ वेरी फेमस इंडियन राइटर सुब्रमण्य भारती, एंड इट इज एक्चुअली रिटन इन तमिल बाय ए के रामानुजम, एंड इट इज ट्रांसलेटेड बाय इन इंग्लिश सुब्रमण्य भारती. So in this point, we'll study how the wind has been discussed as a destructive matter. और इस poem में हम लोग ये समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जो poet हैं आपके सुब्रमण्य भारती, बहुत ही famous and popular English poet हैं, और उन्होंने wind के जो एक destructive nature है उसको बताया है, और wind को एक symbol जो हमारे life में जो challenges हैं, जो consequences आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं उसको किस तरह से हम लड़ें, अपने आप को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम उस परेशानियों से उभर सकें और आगे जाएं, सफलता प्राप्त करें. तो और भी बहुत अच्छा लेसन इस पॉइंट में है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं. कुछ लोग परेशानियों से डर जाते हैं, कुछ लोग परेशानियों से लड़ते हैं और उसके आगे जाकर जो है सफलता प्राप्त करते हैं. तो हम किस तरह से परेशानियों को देखें और किस तरह से अपने आप को तैयार करें उस परेशानियों से लड़ने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, और यही जो मेन मैसेज है जो पॉइंट कन्वे करना चाहते हैं रीडर्स को. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. पहले फोर लाइन्स आप देख रहे हैं कि पॉइंट जो है बहुत सॉफ्टली जो है विंड से एक गुजारिश कर रहे हैं कि कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली, धीरे बहो, धीरे आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज़ का जो ग्रिल है, शटर है, उसको मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स जो है उसको मत तुम फैला दो, मत बिखरा दो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ पर जो बुक रखी हुई है उसको तुम मत गिराओ. ठीक है, तो ये एक तरह का रिक्वेस्ट है, बहुत ही पोलाइटली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया विंड जो है थोड़ा धीरे धीरे आइए और ये सब जो है काम मत कीजिए. There, look what you did. You threw them all down. देखिए इस लाइन में जो है, लाइन नंबर आपका जो है फिफ्थ में बता रहा है कि जो परेशानियाँ होती है वो आपकी सुनती नहीं है, वो डेफ होती है, बहरी होती है. उसका जो काम होता है वो करती है, वो करके चली जाती है. ज़रूरत है आपको उसके अगेंस्ट खड़े होने का, उससे डट कर मुकाबला करने का. तो यहाँ एक गुजारिश, इस रिक्वेस्ट करने के बाद भी जो है विंड अपना काम जो उसका रहता है वो करके जाता है, और यहाँ राइटर जो है वो थोड़े से गुस्सा जाते हैं, बोला देयर लुक, देखो तुमने क्या किया, मैंने तुमसे कहा भैया थोड़ा ये सब ना करो, लेकिन तुमने सुना नहीं और तुमने ये क्या किया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, और तुमने सारे बुक पेपर्स को जो है फैला दिया, बिखरा दिया, नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने जो है बुक के पेजेस को तोड़ दिया. यू ब्रॉट रेन अगेन, हम लोग जानते हैं कि हवा जो है चलती है, रेन आती है, और हवा जो है काफ़ी कभी कभी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जैसे कि सुनामी का खतरा आ जाता है, जिससे बहुत सारे जिला, डिस्ट्रिक्ट सारा जो है तबाह हो जाता है. तो तुम जो है रेन लेके चले आए. अगेन यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग एट विकलिंग्स, अब जो परेशानियाँ होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी चालाक होती है, ऐसा पॉइंट कह रहे हैं. तुम्हें बहुत मज़ा आता है, पोकिंग का मतलब होता है टू मेक फन, टू इन्जॉय. कमज़ोर लोगों पर हमला करके तुम्हें बहुत मज़ा आता है, तुम बहुत आनंद लेते हो, ऐसा कहा गया है विंड के बारे में. यानी जो परेशानियाँ होती है एक्चुअली हम समझते हैं कि वो जो है हमारा जो है मजाक उड़ाती है, मजा लेती है, हमारी परीक्षा लेती है, चेक करती है. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग हर्ट्स. स्लाइड में लोग देख रहे हैं, क्रम्बलिंग जो वर्ड है बहुत कई बार यूज़ किया गया है. क्रम्बलिंग का मतलब होता है फॉलिंग, और जिसके कारण जो है वो कोई चीज़ गिरता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रम्बलिंग. फ्रेल का मतलब है कमज़ोर, कमज़ोर जो हाउसेस है वो गिर जाते हैं, कमज़ोर जो डोर्स हैं वो उखड़ जाते हैं, कमज़ोर जो राफ्टर्स है, राफ्टर्स का मतलब होता है कि एक सिलेंड्रिकल पिलर जो कि बड़े बड़े हाउस को सपोर्ट देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं राफ्टर्स. क्रम्बलिंग वुड, लकड़ी जो है तोड़ देते हैं. क्रम्बलिंग बॉडीज, बॉडीज का मतलब शरीर हो सकता है, हमारा मन हो सकता है. क्रम्बलिंग लाइफ्स एंड क्रम्बलिंग हर्ट्स,
कमलिंग हर्ट्स हमारा कंसाइंस हो सकता है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, और ज़िंदगी को जो है ये तोड़ देती है, बर्बाद कर देती है। ही द विंड गॉड विनोज देम एंड क्रशेज देम ऑल। पॉइंट ने यहाँ विंड को एक गॉड कहा है और कहा है कि तुम जो है इन सारे कमज़ोर चीज़ों को जो है कुचल देते हो, ठीक है, दबा देते हो, और तुम्हें ये करने में बहुत मज़ा आता है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, जो परेशानियाँ, जो सर्कमस्टेंसेस, जो चैलेंजेस हैं, वो आपकी सुनेगी नहीं, वो मज़े लेगी आपको, परेशान करेगी। ज़रूरत है आपको उसके अगेंस्ट खड़े होने की, उससे लड़ने की। या ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। आप जो उससे कहेंगे वो आपकी सुनेगी नहीं। जैसे कि पॉइंट ने पहले कहा, भैया थोड़ा धीरे आइए, ये सब मत कीजिए, लेकिन वो कर दिया। यहाँ पर देखिए, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। वो नहीं करेगा जो आप कहेंगे, आपकी रिक्वेस्ट को नहीं मानेगा, वो उसके मन में जो है वो करके जाएगा। इसलिए पॉइंट कहते हैं कि परेशानियाँ, चैलेंजेस, सर्कमस्टांसेस आपकी सुनने वाली नहीं है, इसलिए चलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर वो आपके घर को गिरा दे रहा है तो आप मजबूत घर बनाइए। लेट्स ज्वाइन द डोर फॉर्मली। अगर आपके डोर को उखाड़ दे रहा है तो डोर को जो है मजबूती से ज्वाइन कीजिए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। अपने शरीर को, अपने मन को आप मजबूत करने का प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप जो है परेशानियों से उभर सकते हैं। मेक द हर्ट स्टीट फास्ट। स्टीट फास्ट का मतलब होता है फॉर्म, फिक्स। अपने दिल को मजबूत कीजिए, अपना जो मोरल है उसको डाउन मत होने दीजिए, अपना जो आत्म जो शक्ति है उसको आप जो है बरकरार रखिए। मेक द हर्ट स्टीट फास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। और ऐसा अगर हम करेंगे तो ये विंड जो है वो हमारा दोस्त बन जाएगा, और ऐसा करने से जो परेशानियां हैं वो हमारी दोस्त बन जाएगी। कभी कभी हम लोग ये भी कहते हैं कि जो परेशानियां अगर आपके लाइफ में आती है तो समझ जाइए कि आपके लाइफ में सफलता आने वाली है। जब तक परेशानी नहीं आएगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे, बुरे समय नहीं आएंगे, एडवर्सिटीज़ नहीं आप फेस करेंगे, तब तक जो है आप जहाँ जहाँ हैं वहीं रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी आगे बढ़ने के लिए परेशानियों का आना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने एक कहानी सुना होगा कि एक जो है व्यक्ति होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका नाम था, बच्चा था एक्चुअली, वो भरद्वाज, जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलपत पड़त निशान। यानी हिंदी एक तरह का एक दोहा है जिसमें बताया गया कि अगर आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, तो यह प्रैक्टिस क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करना है उन परेशानियों से जूझने का, उससे लड़ने का और उसको पार करने का, ठीक है, तो वो परेशानियाँ खुद ब खुद जो है चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आपसे हार मान जाएगी। यहाँ ज़रूरत है आपको स्ट्रांग होने की, ठीक है। तो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। वीक फायर्स का मतलब होता है वीक लोग। छोटी आग होती है तो उसको क्या करता है, इसे दीपक का आग, या फिर किसी लैंप में जो जल ही आग है उसको हवा जो है बुझा देती है। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर होती है, वो लड़ नहीं सकती। तो हम लोग जो है अगर कमज़ोर हैं तो हमें जो है परेशानियां हमारे ऊपर अटैक करेगी, हमारे ऊपर विजय प्राप्त करेगी। इसके लिए क्या करना है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स है, स्ट्रॉन्ग फायर्स मतलब जो स्ट्रॉन्ग पीपल है, जिसका मोरल बहुत ही अप है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, ऐसे लोगों को रोर करती है। रोर मतलब होता है भड़काना, भड़काने का मतलब है उसको और शक्तिशाली बनाना, फ्लरिश, ग्रो करवाना, बढ़ाना, ठीक है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। और उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। किसकी दोस्ती बहुत अच्छी है, उन परेशानियों की जिसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर रहे हैं, जिसको हम आसानी से पार कर रहे हैं। वी प्रेज हिम एवरी डे। और हम प्रतिदिन उसकी जो है प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं, उन दिनों को। अगर हम सफल हुए हैं तो हम याद करते हैं कि अगर हमारे पास ये परेशानी अगर नहीं आती है तो हम सफल नहीं होते, हम आज जो है वो नहीं बन पाते। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परेशानियाँ आपको जो है मजबूत बनाती है, परेशानियों से लड़िए और उस पर जो है पार पाने की कोशिश कीजिए, उसे डरिए मत। अपना मनोबल, मोरल को हमेशा
हाई रखिए और आगे बढ़िए। ज़िंदगी में है, अगर ज़िंदगी है तो परेशानियाँ भी होगी, और परेशानियाँ होगी तो उसके जो है उपाय भी होंगे। ज़रूरत है आपको स्ट्रॉन्ग फर्म और स्ट्रॉन्ग फाइटर्स बनने की, ठीक है। उसके बाद वहाँ से करते हैं, आपको पॉइंट मैंने अच्छी तरह समझा सका आपको, उसके बाद हम कुछ चेक करते हैं। अगर आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी राइमिंग वर्ड्स या मैचिंग राइमिंग वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके कारण ये जो पूरा पॉइम है इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, और वो पॉइंट जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ पोएट्री डिवाइसेस का। पहला पोएट्री डिवाइसेस हम लोग डिस्कस करेंगे एनाफोरा। एनाफोरा में देखिए लाइन नंबर 2, 3, 4 में ये वर्ड है डोंट, ये डोंट बार बार रिपीट किया गया। अगर आपको ऐसा पॉइंट में लिखे दिखे कि सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट लाइन में एक वर्ड जो है रिपीट किया हुआ है शुरुआत में, तो उसको हम लोग एनाफोरा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताया सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म मतलब विंड जो एक सिम्बॉल है चैलेंजेस का, ठीक है, तो वो चैलेंजेस को इंडिकेट करता है इसलिए वो सिम्बोलिज्म है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन में क्या होता है कि कुछ जो वर्ड है जो लेटर है वो कंसिक्वेंट वर्ड्स में रिपीटेड होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए वॉन्ट वॉट विंड विनोज, तो डब्ल्यू डब्ल्यू जो रिपीट किया तो एलिट्रेशन। उसके बाद हम लोग जो है एक पॉइंटेड डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ विंड को गॉड कहा गया है, विंड को एक ऐसा चीज़ बताया गया जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि विंड को जो है एक पर्सन का क्वालिटी दिया गया है। अगर हम किसी इनह्यूमन थिंग्स को अगर ह्यूमनिस्टिक पावर या क्वालिटी देते हैं तो उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन करते हैं। तो इतने सारे इसमें जो है लिटरेरी डिवाइसेस हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को समझें, और कुछ परेशानी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अधिक वीडियोस के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को लगातार पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।